संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने 1940 से पहले ही फिल्मों में प्रवेश किया। जयपुर में जन्मे पंडित गोवर्धन प्रसाद के बेटे खेमचंद प्रकाश को संगीत विरासत में ही मिला, क्योंकि पिता राज दरबार में गायक थे। संगीत के अलावा नृत्य में भी उनकी रुचि थी, लिहाजा कथक नृत्य की भी शिक्षा ली और केवल 19 वर्ष की छोटी उम्र में बीकानेर के महाराजा के दरबार में गायक की हैसियत से नियुक्त हुए। बाद में नेपाल दरबार में रहे। संगीत उनकी रग रग में बसा था। फिर जाऊं अभी फिर जाऊं, तुम ठहरो अभी ले आऊं। क्या भूख से मैं मर जाऊं, क्या कच्चा तुझे जमाऊं, ना माकूल कहे की धुन हुए चंडूल। अब देर न होगी बख्शो तुम बख्शो हाँ बख्शो, अब देर न होगी बख्शो तुम बख्शो हाँ बख्शो। बस तोबा बीबी तोबा, पहले भी तो की थी तोबा। अरे बस तोबा बीबी तोबा, पहले भी तो की थी तोबा तोबा। फूल जुलून बिलाडी फूल। राजस्थान से वाबस्ता थे सुजानगढ़ के, और शास्त्रीय संगीत में और लोक संगीत में काफी महारत हासिल की थी उन्होंने, और मशहूर ध्रुपद गायक भी थे और अच्छे बहुत अच्छे कथक नृत्यकार भी थे। यही वजह से उनके गानों में जो हम ताल की अहमियत खास दिखाई देती है, और कलकत्ते में उन्होंने न्यू थिएटर्स में तिमिर बरन के साथ असिस्टेंट के तौर पे काम किया। खेमचंद प्रकाश उन महान संगीतकारों में से थे जिनकी याद वक्त की रवानी में बह गई है। 1949 में बंबई आए, उनकी पहली फिल्म थी मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन, जिसमें उन्होंने आज के मशहूर संगीतकार नौशाद को अपना असिस्टेंट बनाया था। नौशाद आज भी एहतराम से खेमचंद प्रकाश को याद करते हैं कि उन्हें जो भी कुछ पाया है खेमचंद प्रकाश की बदौलत ही पाया है। खेमचंद प्रकाश रंजीत मूवी टोन से वाबस्ता थे बंबई में, और उनकी एक के बाद एक फिल्में आती रही और कामयाबी हासिल करती रही। 1941 में उन्होंने खुर्शीद से
वो मशहूर गाना पहले जो मोहब्बत से इनकार किया होता गवाया था, और खुशी इस गाने की बदौलत शौहरत की बुलंदी पे पहुंच गई थी। देखिए ये 40s की बात है कि जब खेमचंद जी कलकत्ता से रंजीत फिल्म कंपनी में आए और पृथ्वीराज जी उनको लेकर आए थे और मैं रंजीत में काम कर रहा था, एक म्यूजिशियन के हैसियत से काम कर रहा था जी। फिर खेमचंद जी को पहली पिक्चर वहाँ दी गई, गाजी सलाउद्दीन उसका नाम था, टाइटल था जी। और एक हाफिज जी के नाम से एक थे न्यू थिएटर्स के एक कलाकार, वो डायरेक्ट कर रहे थे और रतन भाई उनकी वाइफ उसमें हीरोइन थी जी। तो गाजी सलाउद्दीन चूंकि मुस्लिम सब्जेक्ट था तो उन्होंने मुझको अपने साथ खादिमों में लिया, यानी असिस्टेंट की हैसियत से खेमचंद जी ने जी। तो मुझे पहला इन्हें ये मौका मिला कि ऐसे गुनी इंसान और ऐसे गुनी संगीतकार के साथ उनकी खिदमत करने का मौका मिला जी। और मैं वो पहला गाना था उनका, अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ले फानी, ये अच्छा। उसके बोल थे गाजी सलाउद्दीन का जी हाँ जी हाँ। तो मुझसे कहने भाई ये इसको कैसे कहना, चूंकि ये अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ले फानी ये अरबी लफ्ज है। अच्छा। तो बहरहाल हम उनके साथ बैठते थे जी। वो हमको मौका देते थे और ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी, बड़ी इनायत थी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी खिदमत करने का। अच्छा। उन मेरी मुलाकात जो है जी ये बहुत पुरानी, कलकत्ता में हम हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करते थे जी। तब वो वहाँ पे किसी कंपनी के लिए शायद स्टेज के होंगे, गाना रिकॉर्ड करने के लिए आए थे और वो गाना सुनते ही मेरे मन में ऐसा बैठ गया और मैं उस वक्त मन में जान लिया था कि ये आदमी एक रोज बहुत अच्छा संगीत रचनाकार बनेगा जी। और वो सिद्ध करके दिखाया है जी। जब वो बॉम्बे में आए और महल पिक्चर में जी आएगा आने वाला जैसा गाने से जी सारे देश को नवाजा, ये तो सबने सुना है जी। मगर एक गाना जो मेरे दिल को बहुत छू जाता है जी वो राजकुमारी का गाना है, घबरा के जो हम सड़कों टकराए तो अच्छा हो जी। तूने ये गाना सुना है? जी बिल्कुल सुना है। बहुत खूबसूरत गाना है। घबरा के जो हम सड़कों टकराए तो अच्छा हो, घबरा के जो हम Yeah.
जब उन्होंने तानसेन पिक्चर में साइगल को ध्रुपद अंग सप्त सुरन तीन ग्राम ये ध्रुपद अंग का गाना गवाया, तो मैं इसके बारे में एक बात हम कहना चाहेंगे। तानसेन के नाम से या तानसेन से और जब भी गाना गवाया गया है ख्याल गवाया गया है जी, मगर बहुत लोग ये शायद नहीं जानते होंगे कि तानसेन के वक्त में ख्याल था ही नहीं जी, ये मानसिंह तुमर के वक्त में से शुरू हुआ जी, था ग्वालियर में जी, तो उनके समय में सिर्फ ध्रुपदी था जी, और ये खेमचंद जी प्रकाशी है जिन्होंने उनको ध्रुपद से उनका इंट्रोडक्शन करवाया है तानसेन को जी। सप्त सुरन तीन ग्राम इस ध्रुपद अंक गीत जो तानसेन में है साइकिल के गाए हुए, इसको सुन लो। बंदिशें या जो भी गीत वो बनाते थे उसमें एक बड़ा सुरीलापन होता था और ज्यादातर एक ठुमरी का अंग होता था। अच्छा। और राजस्थानी झलक जरूर होती थी जी। लेकिन पूरब का अंग भी उसमें शामिल होता था जी। ये उनकी बड़ी महानता थी। ओरिजिनली वो कथक थे जी। तो उनका पूरा घराना कथक था जी। राजस्थान से जी। तो लयकारी बहुत अच्छी थी उनमें। अच्छा। और ये उस वक्त कहना चाहिए रंजीत में ज्ञान दत्त जी थे म्यूजिक डायरेक्टर दूसरे, तो उनके साथ भी हम काम करते थे, लेकिन खेमचंद जी के साथ जितने दिन भी हम रहे हमें बड़ा लुत्फ आया और उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा। और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, हालांकि वो बहुत गुणी और बहुत ऊंची हस्ती थी उनकी, उनके नक्शे कदम के निशानों पर हम चलते रहे, लेकिन आज तक मंजिल पर नहीं पहुंच सके, उन तक नहीं पहुंच सके। वो जो इतने महान और इतने अजीम मौसिकार थे और जिन्होंने आज भी उनके बनाए हुए गीत, जैसे मिसाल के तौर पर तानसेन, उसमें जो रागदारी का इस्तेमाल उन्होंने किया था वो मेरे ख्याल से दूसरा कोई नहीं कर पाया जी। मैंने भी कोशिश की, बैजू बोरा किया, लेकिन जो खेमचंद जी ने जिस तरह से इस्तेमाल किया क्लासिकल म्यूजिक को बहुत अच्छी तरह से, और दूसरे उनके साथ कुंदन लाल सहगल भी शामिल थे। रोम जो मचा लते हारी ऐरावत बलिहारी ऐरावत बलिहारी रोम जो मचा लते हारी काले भई मतवारी।
हेमचंद प्रकाश बहुत गुणी आदमी थे, विद्वान थे। उनकी पिक्चर हमने देखा था तानसेन, जिसमें के साइगल थे और खुर्शीद थी, और उन्होंने सब राग रागनी में गाना दिया था, राग शंकरा दिया था, राग मेघ मल्लार दिया था, दीपक राग दिया था, वृंदावन सारंग दिया था, और सब गाने हिट थे। तो बहुत ऊंचे आदमी थे वो। अच्छा। और उनकी तानसेन के अलावा और कौन सी फिल्मों का संगीत आपको अच्छा लगता है? और उनकी जो हर एक पिक्चर के, मैं उनका फैन था जी, और उनकी हर एक पिक्चर में देखता था। सिंदूर फिर देखा, सिंदूर किशोर साहू उसके प्रोड्यूसर थे, हीरो थे जी। फिर राजा भर्तृहरि देखा जी, जिसमें अमीर भाई कर्नाटकी ने बहुत अच्छा, वो अमीर भाई कर्नाटकी ने गाया था, और सुरेंद्र साहब थे और मुमताज शांति हीरोइन थी। और गाने भी उसके बहुत अच्छे, गाने भी जो राजा भर्तृहरि के गाने था, और चंदा देश पिया के, देश पिया के जाए गाना था। 1948 में फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने किशोर कुमार को पहली बार प्लेबैक सिंगर के रूप में प्रस्तुत किया। मगर प्लेबैक गायन का पहला बुलावा बम्बई से आया, जाने पहचाने संगीतकार खेमचंद प्रकाश की प्रेरणा बनकर। मुझे जो इनकरेजमेंट दिया तो उन्होंने दिया, उन्होंने प्यार कर, दोनों बोले की देखो अशोक, इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे तैयार करूंगा। तो उन्होंने मुझे इनकरेजमेंट दिया, उन्होंने मुझे गीत गवाया, तुम्हारे साथ गवाया, और उसके बाद उनका काफी हाथ है इसमें। I remember the very first good song I sang in the film was in a Bombay Talkies picture called Ziddi, and that was his first song that he ever sang in his life. Marne ki duaein kyun ho, jeene ki tamanna kaun kare, kaun kare, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। मैंने जब प्लेबैक देना शुरू किया था तो हम लोग ट्रेन से ही जाया करते थे, और मैं नाना चौक में रहती थी तो ग्रैंड रोड से मैं ट्रेन पकड़ती थी और जाना पड़ता था मलाड तक। तो एक दिन मैं जहाँ बैठी थी वहाँ महालक्ष्मी स्टेशन पे किशोरदा उसी डब्बे में आए, और मैंने देखा कि ऐसे लग रहा था मुझे कि उनकी शक्ल किसी से मिलती है, पर मैं पूरा ये नहीं कर पाई। और वो आके बैठे, उनके हाथ में एक छड़ी थी और कुर्ता पजामा और एक ऊपर स्कार्फ, तो वो ठीक से नहीं बैठते थे, बैठे बैठे कुछ ना कुछ चल रहा था उनका। तो मैं देखती रही, फिर हम लोग मलाड उतरे, जैसे मैं उतरी वो भी मेरे पीछे पीछे उतरे। तुम टांग में बैठे, तुमने मुझे था कि मैं भी टांग में बैठा, फिर तुम पहुंची बॉम्बे टॉकीज के दरवाजे पर, मैं भी वहां पहुंचा, तो मैंने तुमने सोचा कि फॉलो कर रहा है, क्या बात है, कौन है, फिर हम दोनों चले गए। तो मैं जल्दी जल्दी उतर के ना और खेमचंद प्रकाश जी के कमरे में गई। थोड़ी देर के बाद ये भी, तो मैंने उनको कहा कि देखिए एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है और वो स्टूडियो में भी आया है। तो मैंने कौन है, मैं कहा मालूम नहीं है, कोई लड़का सा। कहने अच्छा मैं देखता हूँ। तो ये पीछे पीछे हमारे कमरे में आ गए, तो मैंने कहा यही है वो। तो कहने लगे अरे ये तो किशोर है, अशोक कुमार जी के भाई हैं छोटे, और ये गाता भी है अच्छा। मैंने कहा अच्छा। तो कुछ दिनों के बाद मुझे खेमचंद जी ने बुलाया और कहा कि इसके साथ तुमको डुएट गाना है। तन मन में छाया है प्यार हो कौन है, ठिकाना हो तेरा प्यार राजा, ठिकाना हो तेरा प्यार।
जगमग दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जलाओ, जगमग जगमग दिया जलाओ, जगमग जगमग